बिहार ललित कला अकादमी पटना बिहार, टेराकोटा कलाकृतियों की प्रदर्शनी यहाँ लगी है, 5 तारीख से 9 तारीख तक लगी रहेगी। बिहार ललित कला अकादमी के आर्ट गैलरी में लगी है यह प्रदर्शनी, जहाँ बिहार के प्रतिभाशाली कलाकारों जिन्होंने टेराकोटा के माध्यम से अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का प्रयास किया है, नमस्ते जी, ये पर इस कलाकृति के बारे में कुछ बताएं, आप कैसी लग रही है? सर ये बहुत ही अच्छे लगे, शंकर जी और ये पार्वती जी हैं, और पार्वती जी के नाक में लगा हुआ है ये अपना जो पहनती है, लेडीज लोग पहनती हुई भी यहाँ पे पहनाया गया, क्योंकि ये तो पूरा मिट्टी का बना हुआ है, लेकिन इसमें ये जो है तंबा का लगा हुआ है शायद, ये धागा लगा हुआ है, ये अलग दिख रहा है, प्लस सांप का ये टच नहीं लगा हुआ है। जी जी, शंकर जी काफी जो बनाने वाले हैं, भोला कुमार पंडित जी मधुबनी के, मधुबनी बिहार के हैं। आप भी टेराकोटा के मूर्तिकार हैं क्या? नहीं, हम मधुबनी, ये टेराकोटा के नहीं है सर, हम टिकली पे, ये मधुबनी पेंटिंग का, मधुबनी पेंटिंग बनाते हैं। कहाँ से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं आप? उपेंद्र भारती शिक्षा संस्थान पटना 13 PMA मॉल के पीछे है सर। अच्छा, ये 6 मंथ का हम लोग का कोर्स चलता है, जो कि अभी 5 महीना हो गया, 1 महीना और बचा हुआ है सर। आप इस प्रदर्शनी में पहली बार आए हैं? जी पहली बार आए। कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा लग रहा है सर, बहुत सारे लोग यहाँ पे आए, मेरे मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह वो आए सर, प्रधान सचिव आए डॉक्टर एस सिद्धार्थ। उद्घाटन किसने किया था? उद्घाटन ये मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने किया सर। जी जी धन्यवाद। आपका सुन लो, मेरा नाम सर संतोष कुमार सर, संतोष कुमार डिस्ट्रिक्ट। सत श्री अकाल जी, कैसी लगी यह प्रदर्शनी? लगे हैं अपने हाथ की सफाई है, जो इन्होंने कलाकारों ने मेहनत की है उसका प्रदर्शन यहाँ देखने को मिला, बहुत अच्छे लगे, खूबसूरत और लगा जैसे नेचुरल, एकदम नेचुरल लगा। यहाँ भी एक बहुत अच्छी कलाकृति आई है देखते हैं, ये मेरे ख्याल से लग रहा है अर्धनारीश्वर है। जी जी, इसमें आधा शिव आधा पार्वती का रूप दिखाया गया है। जी जी, मूर्तियों के द्वारा इन्होंने अपने मानव के जो पिछला मानव जीवन था उसको प्रदर्शन और उससे शिक्षा मैंने मिलने जैसा लगा, मैंने कि इससे उस समय की जो संस्कृति है उसकी झलक देखने को मिलती है इसमें, और बहुत अच्छा हमने आपको देखा, हाथ पता चलता है इस से, और कला की इज्जत और देखने से बढ़ती है इसे, इसमें शिव जी और पार्वती की जो है की गई है। इसमें एक संदेश इस मूर्ति से यह भी मिलती है कि नर नारी पति पत्नी दोनों के सहयोग से ही परिवार खुशहाल बन सकता है। जी जी बिल्कुल, दोनों में परस्पर प्रेम भी होना चाहिए। जी, बिल्कुल प्रेम होना चाहिए, और आदमी भी बोलते हैं कि मेरे शरीर का आधा अंग मेरे पत्नी, अर्धांगिनी जी पत्नी को कहा गया, अर्धांगिनी जो कि लोग भूल रहे हैं, आज समाज में लोग भूल रहे हैं, अब भूल रहे हैं, भूल रहे हैं ना इस मूर्ति में सर, वो चीज इसमें देखने को अच्छा लगता है। और एक सर बहुत ही अच्छा, ये मेरे ATDC के सर मुकेश कुमार कर्ण जी हैं सर, आप आके देख सकते हैं, बेटी बचाओ ये मेरे सर ATDC के हैं सर, वहाँ पे सिलाई कटाई का भी सिखाया। हाँ हाँ, वो गांधी मैदान के पास ATDC है, गांधी मैदान के पास भी है सर, एक PMA मॉल के भी पीछे इंडस्ट्रियल एरिया में है सर। ये मेरे सर ने बनाया है, जो कि बेटी बचाओ उसको, ये काफ़ी अच्छा है, जो कि एक माँ ने अपने बच्चे को गर्भ ली हुई उसका भी वो दिख रहा है। ये सही बात है कि आज समाज में बहुत बड़ी समस्या है, लड़कियों को कैसे बचाएं, बेटियों को कैसे बचाएं, क्योंकि आज समाज में लड़कियां घर में ही नहीं, केवल स्कूल में, कॉलेज में, बस में, ट्रेन में, सभी जगह असुरक्षित हैं। जी जी बिल्कुल, ये और बहुत बड़ा सवाल है कि कैसे सुरक्षित रखा जाए। जी, जी, बहुत ही अच्छा बना है जी, ये बहुत बड़ी समस्या, सभी को मिलजुल कर ही समस्या का समाधान करना पड़ेगा। धन्यवाद आपका।
जी नमस्ते। बहुत ही मतलब एक अपने आप को जगह लेते हैं इसमें, ये कई जगह विदेश भी जा चुके हैं अभी, क्योंकि अभी शिक्षण भूपेंद्र महारथी से 6 मंथ का ये सर मेरे को सिखा रहे हैं। अपनी कलाकृतियों के बारे में कुछ बताएंगे आप? हम दरभंगा ट्रेडिशनल टेराकोटा आर्टिस्ट हैं। इस काम में हम बचपन से कर रहे हैं, हमारे पिताजी भी इसी काम में थे। इस काम को लेकर हम पूरा एक घोड़ा बनाते हैं, ब्रह्म घोड़ा, उसको लेकर पूरा दुनिया घूम रहे हैं। जापान, अमेरिका, इटली, कुछ नहीं है हम लोग के लिए। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। हाँ, तो यही से करते करते अभी मोर्चेस जा रहे हैं, साहब लोग भेज रहे हैं हमको, प्रधान सचिव साहब जो है अंजनी बाबू, उनको भेज रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर भी हमारा कला का प्रदर्शन ही हो रहा है, उसमें हम आए थे। और यहाँ टीचर भी है, यहाँ पर कपड़धारी भी बनाया गया है अभी को। तो इस कला में आप कब से लगे हुए? मेरा खानदानी काम है, बाप दादा का काम है, मैंने बचपन से ही जुड़े हुए। हाँ, पढ़ाई भी किया, काम भी करते थे, क्योंकि पेट के आग बुझाने के लिए तो यही जानना चाहते हैं आज के नवयुवक को, यही बताने की मैंने आवश्यकता है कि अगर आदमी का प्रेम कला के प्रति हो तो वो भले कितनी भी मुसीबत हो उसमें वो वही बात है। तो हम लोग पढ़ते भी थे, काम भी करते थे, पिताजी भी सिखाते भी थे, जब गलती होता था तो औजारे से मारते थे, जब थोड़ा भी गलती हुआ प्लाक से मारते है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ जो हमको ट्रेनिंग मिलता था, हम ट्रेनिंग दे रहे बच्चे लोग बात का है, समझ रहे, और बहुत अच्छे काम कर रहे हैं बच्चे लोग। अब तो उस समय वो जो लड़की लोग, लड़की लोग जो हमारे साथ काम कर रहे हैं और स्कल्पचर बना रही है मूर्ति का, मिट्टी का, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। सिर्फ प्रेम से भाषा ऐसा है वो हर आदमी समझ जाए तो बहुत अच्छा से काम कर रहा है, उसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। मिट्टी तो है, इसको बस में कर रहा है, चुटकी का बस है, चुटकी चले उसको बस कीजिए तो क्यों नहीं बनेगा मूर्ति। अभी हमारे स्टूडेंट सब क्लास में है, सब सीख रही है, पेपर बसी को भी सिखाए हैं, टेराकोटा को भी सिखा रहे हैं। उस क्लास में मुख बधिर बच्चे भी हैं क्या? हाँ, मुख बधिर बच्चे, मुख बधिर बच्चे भी हैं उसमें, मुख बधिर बच्चे जो बोल नहीं पाते, बोल नहीं पाते ऐसे पहले बच्चे भी आए थे। पहले हॉबी क्लास हुआ था उसमें आए थे जी, इस ग्रुप में नहीं है। पहले हॉबी क्लास में आए थे, गरीब गुरबा बच्चे भी आए थे, तो उसको भी सिखाना पड़ रहा था। मतलब बहुत बढ़िया से काम किया, क्योंकि उसकी लालसा था कि हम काम करें, कुछ कला सीखे, क्योंकि उससे कुछ करे उपार्जन करेंगे। तो होता है बच्चे लोग में बहुत एक तरह का अथी होता है, उमंग होता है, उमंग होते हैं काम करने। अच्छा, कभी आपको ऐसा भी लगा कि जैसे शुरुआत में जैसे बहुत सारे कष्ट आपको बोलते थे कि मार भी खानी पड़ती थी, कभी कुछ डांट भी खाने सुने भी, हाँ। तो कभी आपके मन में ऐसा भी आया कि नहीं छोड़ो ये सब फालतू ये सब काम? नहीं, मेरा तो हिस्ट्री भी का था जी जी जी, जी। जो बाप कर रहा है अगर हम नहीं सीखेंगे तो पढ़ के क्या करेगा, पढ़ के क्या नौकरी करेगा। तो गुस्सा भी आता था आपको कभी कभी? कभी गुस्सा नहीं। कितने भाई बहन हैं आप? हाँ, वो 3 भाई है, एक बहन है। 3 भाई में 2 भाई निकल गया, पारंगत हो गए। आप सबसे छोटे हैं क्या? सबसे बड़े हम हैं। अच्छा, बीच वाला जो है मेरा हेल्पर ही करते करते निकल गया, छोटा वाला लाल बबुआ बन गया। आपकी बहन वो भी टेराकोटा बनाती है, टेराकोटा आर्टिस्ट है? अब बहुत बड़ा। आपकी माँ जी? अब माँ जी थी, बढ़ गई, लेकिन वो भी बनाती थी, वो भी बनाती। हाँ, मेरी पत्नी है, वो भी है। अभी केरला गए थे, केरला में जो है क्या कहते हैं अहिल्या हेरिटेज विलेज, नाम सुने हुईगा, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा एरिया है, सुन रहे। उस हेरिटेज विलेज में बच्चा जो घुसता है वो डॉक्टर इंजीनियर बनिए के निकलता है। हाँ, उसमें आर्ट का भी पढ़ाई होता है, तो एक म्यूजियम भी बना है, तो उस म्यूजियम में हम बनाने के लिए गए थे, समझ गए। अभी इंडिया के अंदर में जितना भी म्यूजियम बन रहा है सब में हम जा रहे हैं, क्योंकि सबसे पुराना ट्रेडिशनल में हम हैं, लोग को पकड़ रहा है हमको। और अंग्रेज भी आता है हमको कहता है अच्छे अच्छे मूर्तियों की पूजा होता है, तुम लोग के यहाँ जानवरों की पूजा क्यों होता है? बहुत ताजुब लगता है। जानवर की पूजा करने गया, एक बाबा जी जो है पान सुपारी
और वातावरण और चीनी का लड्डू लेकर के ऐसे मंदिर पर ऐसे मार दिया, लुप्त हो गया, गायब हो गया, गायब हो गया। अब वो अंग्रेज बोल रहा है क्या कि हम पैसा फेंकते ऊपर तो नीचे गिरता है, ये सामान जो फेंका वो कहाँ गया बताओ। अब वो बाबा जी बोल रहा है कि भाई हमको जिसको देना था दे दिया, वो चीज़ तो वापस आएगा नहीं। हाँ, जिसको देना था तो बोला कि घोड़ा पे शक्ति है। हाँ, शक्ति है, शक्ति है, तब वो माथा पे लेकर घोड़ा को मिलते हैं। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा बताएं, ये जो पॉइंट्स है, सिक्का है, ये इसके बारे में थोड़ा बताएंगे आप। जो है आपको क्या कहा, उनके पास था कुछ दिखाते हुए, ऐसे दिखाते हुए इसमें जो है, इसको तो पैक किया हुआ है ना, ये सील किया हुआ है। हाँ, सील हुआ है, उसमें लिखा हुआ ललंदा महाबिहार, नीचे में जो है उस जमाने का भाषा है जिस टाइम में बौद्ध लोग था, तो ललंदा खुदाई में से निकला है ये डिजाइन। वो सिक्का है उस जमाने का, मट्टी का सिक्का बनाते थे लोग और उससे विनिमय करते थे, खरीद बिक्री करते थे इसी से। कि इस पर ये नहीं लिखा था कितना इसका वैल्यू है, वैल्यू है तो लिखा हुआ, लेकिन उसको पढ़ेगा कौन, कौन पढ़ेगा। बात तो ये है ना, ये सब लेकर के चल रहा है। क्या कीमत रखा है आपने? 10 रुपए का है, छोटा बड़ा कोई भी, कोई भी। ये इस प्रदर्शनी का आयोजन उपेन महारती शिल्प अनुसंधान संस्थान की ओर से किया गया इस प्रदर्शनी का, ठीक है, कल मिलते हैं। और उद्योग विभाग बिहार सरकार की ओर से इसका आयोजन किया गया है प्रदर्शनी का। इसमें जो प्रतिभागी हैं वो कहाँ कहाँ से आए हैं, केवल पटना के हैं या पटना से बाहर के? पूरे इंडिया का इसके अंदर में। कौन कौन से शहर बताएं कुछ? मुंबई के भी है, गुजरात के भी है, इसमें पटना के भी है और कुछ दिल्ली के भी है, इस तरह से सब तरफ से आए हुए हैं। एक तरह से राष्ट्रीय प्रदर्शनी हो गई है। हाँ, टेराकोटा वर्कशॉप जो है मधुबनी में पहली बार हुआ था, उससे पहले कभी नहीं हुआ। कब हुआ था, किस साल? अरे इसी साल फरवरी में हुआ है, फरवरी में हुआ। इसको फिर माल लेकर के वही पकाया गया, पका के लाद करके यहाँ लाए, एक समय मुकर्रर कर करके जो यहाँ पर जो जूम से लगेगा था, आज उसकी शुरुआत है, आप लोगों को दिखाया जा रहा है। जो बाल मूर्तिकार हैं, युवा मूर्तिकार हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखे आर्ट को देख के समझे, बात ये न है आर्ट को देख के सब देखे क्या है। इस फील्ड में तरक्की कैसे करेंगे युवा, क्योंकि उसमें धैर्य नहीं है। धैर्य तो रही है, अब देखिए हमारे यहाँ एक अमृत सर है, आए हैं, वो भी कुछ काम कर रहे हैं, टेराकोटा का बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, और वो भी युवा ही जैसे है। पिंटू सर थे, वो भी युवा ही जैसे है। एक रामू जी है जो अच्छी बना है, चरखा बना है। बाबू क्या हो रहा है? बच्चे हैं, ताजी हुआ हो, कील टूट गया, दरवाजे का कील टूट गया। आप किस महीने में मॉरिशस जा रहे हैं? इस महीने को 10 तारीख के काम है, जून में ही। मेरी ओर से शुभकामना, आप और तरक्की करें और बिहार का नाम रोशन करें। धन्यवाद। धन्यवाद आपको।